तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रोब्लॉक्स के एक और वीडियो में। तो गाइस वैसे आज हम लोग खेल रहे थे मेगा होटल टाइकून। होटल खुद का होटल ओपन करेंगे क्या? हाँ भैया, बिजनेस करेंगे, होटल बनाएंगे। और भैया मुझे तो आएगा ना? हाँ बिल्कुल मुन्ना, मैं जा रहा हूँ। ठीक है भैया, आप जाओ, मैं अपना होटल बनाता हूँ। और भैया आप अपना देखते भैया आज किसका होटल कितनी रेटिंग करता है और किसका सबसे बड़ा होटल बनता है। ठीक है, बकवास मत कर, मैं मुन्ना आ चुका हूँ, तू बिल्डअप करना शुरू कर दे। भैया आप शुरू की बात करते हो, मैं तो भैया अपने होटल का बेस भी बना लिया और भैया मैं रिसेप्शन भी बनाने वाला हूँ, ताकि भैया जितने भी होटल में रुकने वाले हैं तो भैया स्टाफ उनके लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा सके। ठीक है, इतनी इंग्लिश मत बोल, मुझे भी पता है। पता है भैया, मजाक करा था। चलो वैसे भी आपका होटल का काम कहाँ तक पहुँचा और कितनी रेटिंग है आपके होटल की? मुन्ना तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे कि तेरे होटल की रेटिंग 5 स्टार हो गई हो। नहीं भैया, अभी तो मेरी भी एक ही है। और तो फिर क्यों बोल रहा है, अभी का खुला हुआ होटल है, रेटिंग पूछने लगा हो? भैया मैं तो बस पूछ रहा था। ओए मत पूछ, मैं अपने होटल की रेटिंग बढ़ाना जानता हूँ। हाँ ठीक है भैया, फिर बढ़ाओ, मैं भी अपनी रेटिंग बढ़ाऊंगा। ओए हाँ, मुझसे ज्यादा रेटिंग नहीं कमा पाएगा, देख रहा है मुन्ना, मेरे होटल में तो लोग भी रहने के लिए आने लगे। क्या बात है भैया, अभी तो आपका होटल भी नहीं बना होगा तो भैया कहाँ रहेंगे, जमीन पे? तू बेइज्जती करेगा मुन्ना, जमीन नहीं, कमरे मैंने बना दिया है। तो कमरे ही बना दिया है भैया, क्या बात है। ठीक है भैया, फिर कमरे में जमीन पे बैठाओगे क्या? ओए तेरा बहुत हो गया, अपने बिल्डअप पे ध्यान दे ले। हाँ भैया वो तो मैं दे ही रहा हूँ, बस पैसे आने का इंतजार करता हूँ, जैसे पैसे आ जाते हैं तो भैया मैं उनको होटल में लगा देता हूँ। ओए तो मुन्ना क्या मैं खाने पीने में थोड़ी लगाता हूँ, मैं अभी तो होटल में तो लगाता हूँ। हाँ तो लगाओ ना भैया, रोका किसने है? फिर से मुन्ना तेरी जवान आजकल बहुत चलने लगी है। भैया मैंने क्या किया यार, मैं तो भैया आराम से अपना सीधा साधा होटल बिल्ड कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, वही कर भी तू, और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। भैया आप ध्यान दो ना। देखो गाइस, हम लोग की वैसे पीछे भी एंट्रेंस ठीक ही ठाक है। हाँ मेरी भी ठीक ठाक है। भैया यार आप अपना ध्यान दो ना, मुझे अपनी एंट्रेंस बिल्ड करने दो। देखो भैया मैंने तो अपना एक बहुत ही VIP गेट लगा लिया है। वो गेट तो मैंने बहुत पहले लगा लिया। क्या बात कर रहा भैया, झूठ तो नहीं बोल रहे, मैं आके देखूं क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो मैं थोड़ा 5 मिनट के लिए घर से बाहर गया हूँ, थोड़ी देर में आना। तो भैया आप होटल से बाहर चले गए क्या? हाँ वो थोड़ा दूर आया था, पैसे थोड़ा कलेक्ट हो रहे थे ना, अभी आने की जरूरत नहीं है। भैया मैं तो आपका बस गेट देखने आ रहा था। माता ना बोल दिया ना। ठीक है भैया नहीं आऊंगा। वैसे गाइस ये कितना कूल लग रहा है ना, देखो इसमें लिखा भी हुआ यार हमारा नाम, और कितना मस्त लग रहा है। ओए मस्त क्या लग रहा है? भैया वो होटल के बाहर का बोर्ड लगा था ना हमारे चैनल के नाम का, तो वो भैया मस्त लग रहा था। ओए अच्छा, वो तो मुन्ना मेरे नाम का मेरे होटल के बाहर मेरे भी लगा हुआ है। क्या बात कर रहे हो, चलो भैया बढ़िया है। ओए हाँ बढ़िया तो रहेगा ही मुन्ना, नाम वैसे मस्त लिखा हुआ है ना। हाँ भैया वो तो है। चलो भैया मैंने तो अपने होटल्स में अच्छे खासे रूम भी बना दिए, अब तो भैया यहाँ पे लोग रह भी सकते हैं। ओए तो अभी तक घूमने आ रहे थे क्या कि तेरा होटल किस तरह का बना है? नहीं भैया ऐसी बात नहीं है भैया, मान सकते हो भैया घूमने आ रहे थे। मुन्ना क्या नूब होटल बनाया है कि घूमने ही बस आ रहे थे? तो भैया आपके भी कौन से रूम बन गए होंगे भैया, आपका भी तो होटल बन ही रहा होगा ना? ओए हाँ बन तो मेरा भी रहा, लेकिन मुन्ना एक दो लोग मेरे यहाँ रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं भैया, जमीन पे? ये मजाक दोबारा किया ना, प्लॉट डालूंगा। भैया सीरियस हो गए अब तो, और दिमाग खराब कर दिया तूने मेरे, मुन्ना लोग को समझा क्या है? कुछ नहीं भैया। ओए कुछ भी नहीं समझा, मतलब भैया मैं क्या ही समझ सकता हूँ, मैं तो भैया खुद ही रूम्स बना रहा हूँ अपने लोगों के लिए, क्योंकि भैया अभी तो लोग यहाँ पर बस घूमने आ रहे हैं। वैसे मुन्ना सही कहूँ तो मेरे यहाँ भी लोग घूमने ही आ रहे हैं। ओए लेकिन मुन्ना मैंने होटल बुरा नहीं बनाया है। हाँ तो भैया मैंने भी कौन सा बुरा बनाया, अच्छा मेरा भी होटल है एकदम, भैया फुल गोल्डन थीम दिया हुआ है। ओए तूने भी गोल्डन थीम दे दिया, चुराया है लगता है तूने मेरा थीम। भैया ये कौन सी बात हुई, भैया आपने गोल्डन थीम दिया, मैंने भी गोल्डन थीम दे दिया, तो भैया इसमें चुराने की कौन सी बात हो गई? ओए नहीं मेरा तूने थीम चुराया है। नहीं भैया जितने भी यहाँ पर आसपास होटल है सब भैया गोल्डन थीम पे ही बेस है। ओह तो ये बात है क्या, ठीक है जा अपना बिल्ड कर ले। हाँ भैया वो तो कह रहा हूँ। मैडम जी कैसी हो यार, कुछ हो गया क्या? मैडम जी कहाँ मिल गई? भैया नहीं एक होटल में मैडम जी आई थी, ऐसी बैठी थी तो पूछ रहा था हाल चाल।
ओए ज्यादा हाल चाल मत पूछ, रूम लेने आए होंगे, उनको रूम दे दे। ए भैया अभी रूम बना ही नहीं, अभी तो भैया मैं यहाँ पर फूड सेंटर बना रहा हूँ, ताकि भैया लोग आके यहाँ पे खाना वगैरह खा सके, तो उससे भी और पैसे मिलेंगे, और फिर भैया मैं रूम्स वगैरह में पैसे लगाना शुरू कर दूंगा। ओए अच्छा ये बात है, क्या मुन्ना रूम्स बना ले, इम्पोर्टेंट है। अरे भैया अभी तो मैं फूड वाला रूम बना रहा हूँ, ताकि भैया सेफ वहाँ पर खाना वगैरह बना सके, और भैया लोग भी यहाँ पे खाना खा सके, और फिर तो भैया आपको पता है ना। ओए हाँ पैसे मिलेंगे। वैसे मुन्ना तेरी वैसे इनकम क्या चल रही है इस टाइम? ए भैया अभी तो $780 per second चल रहा है। ओए क्या बात कर रहा है, मेरा तेरे से कम क्यों चल रहा है? पता नहीं लगता है कोई ग्लिच वगैरह है। ए भैया इसमें कौन सा ग्लिच चल रहा है भैया? बिना वैसे भैया आपकी इनकम चल कितनी रही है? और मेरी मेरी वैसे मुन्ना मेरी ऐसी 750 चल रही है पर सेकंड के हिसाब से। तेरी कैसे ज्यादा हो गई? ए भैया क्योंकि मैं होटल में बहुत देर से वर्क कर रहा हूँ, और भैया आप तो मेरे साइज से थोड़ा लेट आए थे। और थोड़ा नहीं मुन्ना, मैं तेरे से पहले निकल लिया था। हाँ भैया तो रास्ते में कहीं हम जाम में फंस गए होंगे। ओए क्या बकवास कर रहा है, यहाँ पे कौन सा जाम लगा है? चल ठीक है मैं बराबर कर लूंगा, वैसे भी तो नूबड़ा ही है। ओए अरे भैया आप फिर से शुरू हो गए। ओए शुरू क्या, क्या मतलब है तेरा शुरू हो गए? हे भैया वही नूबड़ा उबड़ा बोल रहा हूँ। तो तू है वही बोल रहा हूँ, वैसे रूम बनाए कि नहीं तूने? नहीं भैया अभी मैं एक क्लब बना रहा हूँ, क्योंकि भैया लोग क्लब में भी आएंगे, पैसे दे के जाएंगे, फिर भैया रूम वगैरह भी बन ही जाएगा। ओए मुन्ना तो रूम के अलावा सभी कुछ बनाए ले रहा है। हाँ तो भैया अभी रूम की जरूरत भी नहीं है ना, अभी भैया बस रिसेप्शन लगाया है, और भैया एक क्लब खोल रहा हूँ, और भैया मैंने फूड सेंटर खोल ही दिया है, वहाँ पे लोग आके खाना भी खाने लगे ऑलरेडी। ओए पैसे उसे आ रहे हैं उससे? हाँ भैया आ रहे हैं ना, बहुत ही ज्यादा। ओए क्या बात है, लगता है मुझे भी फूड सेंटर खोलना पड़ेगा। वैसे मुन्ना मैंने भी एक चीज खोली है। क्या चीज है भैया? ओए विजिटर इन्फॉर्मेशन नाम करके है कुछ। अरे भैया वो तो मैंने शुरुआत में ही बना लिया था। ओए शुरुआत में बना लिया था? ओए तेरे होटल में लिफ्ट है क्या? हाँ भैया बहुत पहले बनाया था, लेकिन भैया अभी फ्लोर्स नहीं है तो किसी काम के नहीं है। ओए लिफ्ट भी बना ली? वैसे मेरी भी कुछ काम की नहीं है, क्योंकि अभी एक ही फ्लोर है। हाँ तो भैया यार आप इतने पैसों का कर क्या रहे यार? ओए पैसे तो है मेरे पास, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बिल्ड करूँ। ओए ए तो भैया यार ऐसे कैसे आपका बिजनेस चलेगा भैया? जल्दी जल्दी बिल्डअप पे पैसे लगाओ ना। ओए हाँ वही करना ही पड़ेगा। वैसे तेरा मुन्ना क्लब बन गया कि नहीं, मुझे देखने आना है। हाँ भैया आ जाना यार, बस बनने ही वाला है, अभी इसमें पैसे काफी लगेंगे। ओए कितने पैसे लगा दिए तूने? अरे भैया काफी लग चुका है, अभी बना भी नहीं है। ओए हाँ मुन्ना पैसे तो काफी लग रहे हैं, बात तो सही कही। वैसे मुन्ना मेरे पास भी काफी पैसे है। है तो भैया बिल्डअप पे लगाओ ना भैया, उन पैसों के क्या करोगे, मुंह ताकोगे क्या उनका? ओए नहीं नहीं मुन्ना बिल्डअप पे ध्यान लगाऊंगा, वही कर रहा हूँ। ओए क्या बात है, मैं भी अपना फूड सेंटर खोलूंगा, मजा ही आ जाएगा। चलो भैया यार अब मैंने तो अच्छे खासे पैसे भैया एकदम इकट्ठा कर लिए है। ओए कितने पैसे? ओए तेरे तो 5 लाख रुपए। भैया 5 नहीं, ये हो गए 6 लाख। ओए क्या बात है मुन्ना, बहुत पैसे तेजी से आ रहे हैं क्या? हाँ भैया 1.02 kbps से पैसे आ रहे हैं। ओए क्या बात है, वैसे मुन्ना मेरा भी 1k तक पहुंच चुका है। हाँ तो भैया यार पैसे लगाओ ना चीजों पे। चलो अब तो भैया मैं नई चीज भी खोल रहा हूँ। ओए अब भला क्या कर रहा है? ए भैया अब मैंने बनाया है एक कॉफी कैफे। मुन्ना होटल खोल रहा है कि दुकान खोल रहा है? पूरी इतनी सारी दुकान लगा के बैठ गया, होटल नाम का कुछ नहीं है। अरे तो भैया होटल में सब कुछ होता है ना भैया, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती है लोगों को। अब भैया रूम्स बना के भला क्या ही करूंगा, अगर उनको खाना नहीं प्रोवाइड करा पाया, कॉफी चाहिए, क्लब चाहिए, तो भैया ऐसे थोड़ी होटल होता है। और तो तू पहले यही सब चीजें बिल्ड करेगा क्या? नहीं तो क्या भैया, रूम्स तो कभी बिल्ड कर सकता हूँ, जा रहा हूँ भैया अब एक आधा रूम भी बना दूंगा। ओए क्या बात है, तेरा होटल लगता है मस्त चलने वाला है। हाँ भैया तो आप भी चलाओ, पैसे खर्च करो भैया, इतने पैसे लेके क्या करोगे भैया, आपका भी ऑलमोस्ट 5 लाख तक हो चुका है। ओए हाँ मुन्ना अब मैं भी कॉफी कैफे वगैरह खोलने जा रहा हूँ। ओए मैंने मुन्ना एक फाउंटेन भी लगाया है। फाउंटेन होता है भैया वो? ओए हाँ वही फाउंटेन भी लगाया है। वो तो भैया मैंने बहुत पहले लगा दिया है। ओए सेकंड फ्लोर के लिए सीढ़ियां भी लगा दी है। ए भैया वो शुरुआत में ही कर दिया था मैंने। ओए ठीक है मैं समझ गया। वैसे मुन्ना मैंने 2 रूम्स भी बना लिए है।
क्या बात है भैया, मेरा तो अभी एक रूम बनने जा रहा है जो कि बेडरूम है। चलो गाइस इसको जल्दी कंप्लीट कर देते हैं। और गाइस तब तक आप लोग यार वीडियो पे लाइक मार दो, क्या कर रहे हो? ओए हाँ दोस्तों लाइक मार दिया करो, अच्छा लगा करता है, कॉन्फिडेंस भी मिलता है। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो पे लाइक मारो, तब तक मैं और ऑगी रूम्स बनाते हैं। ओए चलो भैया मेरा तो रूम्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा पैसे कम पड़े थे लेकिन भैया हो ही गया, बस एक दो चीजें और बची है। ओए मुन्ना मेरा भी पता है फूड सेंटर बन चुका है और मुन्ना क्लब का भी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। क्या बात है भैया, और कॉफी कैफे बन गया भैया? ओए हाँ उसके क्लब के बाद उसका ही काम है मुन्ना। हाँ ठीक है भैया बनाओ बनाओ, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओए हाँ मैं भी समझ गया मुन्ना, अगर होटल में लोग आए तो ये सब चीजें भी तो चाहिए होती है ना, सिर्फ रूम लेकर थोड़ी काम चलेगा। वही तो भैया मैं भी कह रहा हूँ। चलो भैया जल्दी से बिल्डअप करो ताकि मैं भी अपना रूम जल्दी से बिल्डअप कर सकूँ। और तो करना रोका किसने तुझे? हाँ भैया वही कर रहा हूँ। चलो फिर भैया हम लोग मिलेंगे एक साथ, एक दूसरे का होटल देखेंगे। ओए हाँ तू देख सकता मुन्ना अब तो एकदम मेरा भी होटल चमक चुका है। चलो भैया मैंने कंप्लीट कर दिया 101 रूम कंप्लीट। रूम का नंबर है ये? हाँ भैया कंप्लीट हो गया और अब भैया मैं बनाऊंगा दूसरा बेडरूम। ओए क्या बात है मुन्ना, प्रोग्रेस पर प्रोग्रेस। हाँ भैया यार अब कर ही ले रहा हूँ। चलो यार भैया अभी आज तो पैसे खत्म हो गए, अब कल काम शुरू करूंगा। ओए हाँ मुन्ना बात तो सही गई, मेरे पास भी पैसे खत्म ही है। ओए वैसे कहाँ गया मुन्ना तू? हे भैया वो मैं आपके सामने। ओए क्या बात है, वैसे मुन्ना दिन कैसा रहा आज का? बहुत ही मस्त भैया आपका। ओए मेरा भी। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। तो दोस्तों सेकंड पार्ट चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और मिलते हैं तब तक लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए सभी को बाय बाय। हाय गाइस सभी को यार टिल देन टेक केयर, बाय बाय।